हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IQ Neo 6 इंडियन वेरिएंट के बारे में। हालांकि ये स्मार्टफोन की दो वेरिएंट चाइना में ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है, IQ Neo 6 और IQ Neo 6 SE, जो कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 और स्नैपड्रैगन 888 की चिपसेट के साथ आती है। पर इंडियन वेरिएंट में हमें कुछ मेजर चेंजेस देखने को मिलेगा और ये स्मार्टफोन फ्लैगशिप लेवल एक्सपीरियंस पे फोकस किया गया है। तो चलिए देखते हैं IQ Neo 6 इंडियन वेरिएंट की कंफर्म्ड स्पेसिफिकेशन, प्राइस और लॉन्च डेट। तो सबसे पहले डिजाइन की बात करें तो सेम चाइना वेरिएंट की तरह होने वाला है। सामने की तरफ सेंटर कंसोल डिस्प्ले देखने को मिलता है और पीछे के साइड ट्रिपल कैमरा सेटअप और साथ ही प्लास्टिक बैग दिया गया है। और फोन की थिकनेस 8.5 मिलीमीटर और वेट 197 ग्राम की है। डिस्प्ले की तरफ जाए तो 6.62 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आएगी और साथ ही HDR 10 प्लस को भी सपोर्ट करेगी। और डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस 1300 nits तक है और साथ ही अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। आगे कैमरा की बात करें तो IQ Neo 6 में ट्रिपल कैमरा दिया जाएगा, जिसमें 64 मेगापिक्सल की मेन कैमरा है जो कि 1.9 एपर्चर के साथ आएगी, 12 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड लेंस जो कि 2.2 एपर्चर के साथ आएगी और 2 मेगापिक्सल की डेप्थ सेंसर दिया गया है जो कि 2.4 एपर्चर के साथ है। और सामने की तरफ 16 मेगापिक्सल की फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है जो कि 2.0 एपर्चर के साथ आती है। अब परफॉर्मेंस की तरफ जाए तो चाइना वेरिएंट में स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 दिया गया है, बट इंडियन वेरिएंट में डाउनग्रेड देखने को मिलेगा क्योंकि इस पे स्नैपड्रैगन 780 दिया जाएगा, जो कि एक साल पुराना चिपसेट है और स्नैपड्रैगन 865 के बराबर परफॉर्मेंस देता है। बट लंबे समय तक गेम्स खेलने पर भी आपकी स्मार्टफोन स्टेबल रहेगी क्योंकि स्नैपड्रैगन 870 में परफॉर्मेंस डिप बहुत कम देखने को मिलता है। और साथ ही 12GB रैम और 256GB तक की रैम और स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिलेगा। सॉफ्टवेयर की बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 12 दिया जाएगा, जो कि वीवो की ओरिजिन ओसन OS पे बेस्ड है। और स्मार्टफोन को पावर देने के लिए इस पे 4700 mAh की बैटरी दिया गया है, जो कि 80 वाट तक की फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, बट वायरलेस चार्जिंग आपको नहीं देखने को मिलेगा। और कनेक्टिविटी में वाईफाई 6, ब्लूटूथ 5.2, GPS और टाइप सी पोर्ट दिया जाएगा, बट हेडफोन जैक की ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। फाइनली अब प्राइस की बात करें तो चाइना में इस स्मार्टफोन की स्टार्टिंग प्राइस 32,000 से लेकर 37,000 रुपीज तक रखा गया है, बट टिप्स्टर मुकुल शर्मा और इंडियन वेरिएंट की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से इंडिया में ये फोन 30,000 से 35,000 के बीच देखने को मिलेगा। तो बस गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे की फ्यूचर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन करने ना भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।